बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सुबह सुबह सो के उठा हूँ, घर के थोड़े से काम किए हैं, परिंदों को दाना डाला है। इतनी देर में हमारे कासिम भाई हैं जो हमारे वेल्डिंग का काम करते हैं, वो आ गए थे, तो मुझे याद आ गया थोड़े से घर के काम थे। उनमें सबसे जो अहम काम था वो ये था कि जो हमारा बारबेक्यू वाला स्टैंड है उसमें चादर लगानी थी, उसको कम्प्लीट करना था। तो कासिम भाई से बात की तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ से नहीं मिलेगा, थोड़ा घर से दूर है, वहाँ जाना पड़ेगा। जो वो चादर थी वो यहाँ करीब से नहीं मिल रही थी, उसके लिए हमें थोड़ा सा दूर जाना पड़ रहा है घर से। तो अभी हम वो चादर लेने के लिए जा रहे हैं। हमारा जो फ्रेम है उसकी चादर भाई काट रहे हैं और फिर ये जो हाइड्रोलिक मशीनें होती हैं इस पर तैयार हो गए। ये सारा हो गया तैयार। ये जो दो हैं ये साइडों पे लगेंगे और इस सब का वज़न है जी 11 किलो 700 ग्राम। फ्रेम हमारा आ गया, गाड़ी से उतर रहे हैं और इस तरफ कासिम भाई जो हैं इसको भी तैयार करेंगे, तो इसके बाद फिर इसको हम घर ले जाएंगे। ये है जी वो फ्रेम जिसके अंदर हमने इसको लगाना है। ये बन के आ चुका है, यहाँ हमने रख दिया है। कासिम भाई आएँगे तो ख़ुद इसको फिट करेंगे, तब तक मैं सोच रहा हूँ कि इसको रंग करवा लूँ। सामने मेरा नाश्ता आ गया, अभी मैंने नाश्ता करना है। नाश्ता करने के बाद कोई पता नहीं है कि आगे क्या काम करना है, तो जो माहौल बनता है फिर हम वो कर लेंगे। लेकिन मेरा इरादा दो चीज़ों का है अभी इस वक्त। एक ये कि मुझे गाड़ी के टायर चेंज करवाने हैं और दूसरा अभी जाके तरपाल लानी है, क्योंकि अब रात को खासी सर्दी हो जाती है और छोटे परिंदों की तरपाल नहीं है तो वो ला के लगानी है। कासिम भाई वापस आ चुके हैं और इसकी अभी फिटिंग कर रहे हैं और फिटिंग तकरीबन हो चुकी है। अब ये तैयार होगा तो इसके अंदर हमने रखनी है। हमारा भी ये तैयार होके आ चुका है, रंग भी आ गया। मैं पहले इसको करूँगा रंग, और जब तक मैं इसको रंग करूँगा अहमद जो है अहमद साफ करेगा। क्या साफ करोगे? बहुत चलाक हो गई हो आजकल, तो खुद ही पता चल जाता है। अहमद करेगा इसको साफ़, ये थोड़ा सा गंदा हुआ हुआ है, तो जब तक अहमद साफ़ करेगा मैं वो रंग करूँगा। और अगर मैंने जल्दी रंग कर लिया तो अहमद का साथ भी दे दूँगा। अहमद बिस्मिल्लाह करो। ये रात को लाइटें जो लगाई थी इस तरफ, अभी सिर्फ 4 लगाई हैं, 1, 2, 3 और 4 और लगनी है। रात को भाई थके होते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, तो आज रात बाकी 4 भी लगा के चले जाएँगे। ये जितना मैं कर सकता था उतना सा तो मैंने अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश की है। ये रंग हो गया इस तरफ, अहमद ने तकरीबन इसको भी सारे साफ़ कर दिए और अच्छा हो गया। ये भी बिल्कुल उसने साफ़ कर दिया। अब यहाँ सामान ला के रखना है, जैसे ये साबुन हो गया और एक दो छोटी मोटी चीज़ें। सुबह से बाइक पे घूम घूम के बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आते ही सबसे पहले इनका कुछ करना है, इनकी सेटिंग करवानी है, और दूसरा अभी मुझे थोड़ा सा वक्त मिला है तो मैं जा रहा हूँ आज परिंदों की तरपाल लेने के लिए। सबसे पहले वो लाजमी करना है क्योंकि ठंड बहुत हो चुकी है, तो अभी लेने जाएंगे जी परिंदों के लिए तरपाल। लास्ट टाइम मैं जो लेके गया था दूसरे परिंदों के लिए, मतलब पिछले साल, वो ये वाली थी, ये कलर था, और इस दफ़ा भी यही कलर लेके जा रहा हूँ। वैसे इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है, शापर जैसी भी मिल जाती है और ब्लू कलर में भी है, लेकिन मुझे अब यही कलर चाहिए क्योंकि मजबूरी है, दूसरा कलर यही लगा हुआ है। यहाँ मैं लेने आया हूँ तो जो पैमाइश थी वो मैं सारी गलत करके ले आया था, तो फिर अभी भूल गया था। दोबारा भाई को कॉल की है कि पैमाइश करके दो, वो पैमाइश करके दी है और ये वाली भी मैं कटवा रहा हूँ। हमारी जो तरपाल थी वो तैयार हो गई है और हमारे साइज़ के मुताबिक बन गई है। अब ये पैक हो रही है और इसको अभी जाके लगाना भी है। परिंदों को छलियाँ डालनी है, तरपाल हमारी ये पड़ी हुई है, इसको यहाँ पे सामने लगाना है। लेकिन एक मसला ये है कि ये जो हुकें लगी हुई हैं ये कम है, तो वेल्डर आएगा तो यहाँ वो हुकें लगा के देगा
फिर हम इसको लगाएंगे और फिर इसको ऊपर करने के लिए यहाँ पे भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो वो वाला तजर्बा भी करना है लेकिन वो बाद में। सामने हमारा रैक पड़ा हुआ है वो सूख गया, उसको भी आज तैयार करना है। ये वाले तो इंतज़ार में बैठे होते हैं कि कब मैं आऊँगा और ये खाएँगे। वैसे हर वक्त इनको वो फीड तो पड़ी रहती है लेकिन ये बड़े शौक से खाते हैं। अभी मैं पिंजरे के अंदर आ गया हूँ और इस बॉक्स में जो है बहुत दिनों से मेल फीमेल बैठे हुए हैं, अंडे इन्होंने दिए हुए हैं। अब मैंने ये देखना है कि क्या बच्चे निकल आए हैं या अभी नहीं निकले। यहाँ तो बड़े गुस्से में है, करीब नहीं जाने दे रहे। अब ये नहीं पता बच्चे हैं या नहीं है। मेल फीमेल दोनों बॉक्स में बैठे हुए हैं लेकिन बहुत ही गुस्से में है। मैं करीब जाता हूँ तो मुझे काटते हैं, तो अभी नज़र नहीं आ रहा। अंडे तो अंदर पड़े हुए हैं लेकिन ये नहीं पता कि बच्चे उनमें से निकल आए या फिर वो जो अंडे थे वो अनफर्टाइल हैं। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ, अगर हो सकता है तो ठीक, वरना फिर जब बच्चे निकलेंगे तब देख लेंगे। अंदर जो है अंडे ही पड़े हुए हैं, अभी बच्चे नहीं निकले लेकिन मुझे लगता है कि वो जल्द निकल आएंगे। और एक अंडा तो मुझे ऐसे लगा है कि जैसे अनफर्टाइल है और एक फर्टाइल है, तो बहरहाल अल्लाह को बेहतर पता, जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। दो तीन दिनों से ठंडी हवाएं इस्लामाबाद में चलना शुरू हो गई हैं, तो ये लाजमी होगी उनके लिए। ये मुझे हर हाल में आज ही लगानी पड़ेगी। ऊपर देखें ज़रा दरख्तों को, कितनी तेज़ी से हवा चल रही है। ठंडी हवा जब इनको लगती है तो बीमार हो जाते हैं, इंसान बीमार हो जाते हैं। ये फिर छोटे परिंदे हैं, इन्होंने तो बीमार होना ही होता है। मेरे जितने भी ये वाले पेड़ हैं बजिस के सिंगल में लगे होते हैं, इनको मैं हर दफ़ा आधी छली डालता था लेकिन इस दफ़ा मैं इन सब को पूरी पूरी छली डाल रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि ये जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जितने भी मेरे ये पेड़ लगे हुए हैं इस तरफ, ये नीचे सारे और आगे, ये सब ने अंडे दिए हुए हैं और बच्चे निकाले हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस पेड़ के बच्चे हैं अंदर, इस पेड़ के बच्चे, नीचे पेड़ के बच्चे। ये वाला जो मैं लाया था बाद में, और मैंने सोचा था कि ये शायद हो सकता है कि अंडे बच्चे करे या ना करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से एक हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने भी अंडे दे दिए हैं और मादी अंडों पे बैठी हुई है। इस तरफ ये सारे अंडों पे बैठे हुए हैं। तो ये वाले जितने भी पेड़ हैं अब इनको भी मैं एक एक पूरी डालूंगा ताकि ये बच्चों को अच्छे से फीड करवा सकें। इन्होंने भी बच्चे माशाल्लाह से निकाले हुए हैं, और जब कोई परिंदा बच्चा निकालता है या बच्चे इसके आ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। मैं आपको बच्चे निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा है। इसी तरह सब में अंडे और बच्चे हैं लेकिन मैं सबको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, सिर्फ ये क्योंकि सबसे बड़ा है इसलिए मैंने निकाल के दिखाया। माशाल्लाह कितना प्यारा है, तो इसको वापस रख देंगे, ज्यादा तंग नहीं करेंगे। जुमा मुबारक। अभी मैं लेके जा रहा हूँ जी इब्राहिम को, सर्दियों के कपड़े जो हैं इसके वो नहीं है, सर्दी आ चुकी है। पिछले साल के जो कपड़े थे वो वैसे ही छोटे हो जाते हैं, बच्चे हैं बड़े हो जाते हैं तो। और लेकिन उससे पहले मैंने जाना है इब्राहिम की दादी को मिलने के लिए। पिछले कुछ दिनों से, बल्कि ये कह लें कि कुछ जुम्मों से मैं नहीं मिलने जा सका, उसकी वजह ये थी कि मैं घर में बहुत बिजी था कामों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम ख़त्म हो गए हैं, तो अब रूटीन बना लूँगा जाने की। जा रहे हो, क्या चाहिए, क्या क्या उधर देखा होगा, हिलना नहीं है ना, ना ना कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो जाओ, पहले मुंह धो के आओ। ये क्या लगा हुआ है, क्या खाते रहे हो? अच्छा चलो चलते हैं। इतना ज़्यादा शौक है इसको गाड़ी में बैठने का कि अपनी छोटी गाड़ी से उतरता है तो इसकी तरफ इशारे करता है, जब मैं कहूँ कि आओ गाड़ी में चले तो भाग के आ जाता है। पहले गाड़ी वहाँ पे खड़ी करनी पड़ती थी तो बहुत मसला था, जगह ही नहीं थी, एक गाड़ी खड़ी करने की जगह थी, फिर खुद भी गुजर के जाना था। अब जब से ये वाली जगह बनी है तो इजीली गाड़ी जा भी सकती है, आ भी सकती है, बल्कि चार पांच गाड़ियों की जगह है। इब्राहिम जब से पैदा हुआ है अपनी दादों को तो मिला, तो आज फर्स्ट टाइम मैं इसको दादों से मिलवाने लाया हूँ। मोहम्मद आपकी दादो जे, ये है जी मेरी अम्मी जान की कब्र और मोहम्मद इब्राहिम की दादो। मोहम्मद दादो से मिलो, दादू है ना। साइड पे दुआ कर रहा था और ये नीचे चूंटियों को मार रहा है, इधर छोटी छोटी चूंटियां इसने देख रही हैं तो ये उनको मार रहा है। दादू को अल्लाह हाफिज करो। ये वाला जो कब्रिस्तान है ये ननियाल वाली साइड का है, जो हमारा ददियाल वाला कब्रिस्तान है वो उस तरफ है। अम्मी की ख्वाहिश थी कि उनको इस साइड पे दफन किया जाए, तो इसलिए
उनको इस साइड पे दफन किया गया। कब्रिस्तान से निकले हैं तो इब्राहिम ने रोना शुरू कर दिया, इसने चूंटियां देख ली थी और ये कह रहा था मुझे उतारो, मैंने उनके साथ खेलना है या उनको मारना है, जो कुछ भी करना है। बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से इसको लेके आया हूँ और अभी हम बाजार पहुँच चुके हैं, इसके कपड़े लेने हैं, फिर यहाँ से मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, लेकिन पहले कपड़े ले लेते हैं। इस बारिश में गर्म गर्म चाय का तो अपना ही मजा है और साथ में बन्नों का पुलाव, क्या बात है। ये हमारी आग गई जी गरम गरम चाय। इब्राहिम की शॉपिंग और इब्राहिम के कपड़े जो लिए हैं उस पर हमें कम से कम 3 या 4 घंटे तो लग गए हैं और तब तक हुआ यूँ है कि बारिश जो है वो एकदम से आई है और बहुत तेज़ लग पड़ी है। तो अभी मैं बस गीला हो गया हूँ और गाड़ी में पहुँचा हूँ और अपनी पसंदीदा जगह पे पहुँच गया हूँ, जहाँ मैं हर दफ़ा आता हूँ तो सबसे पहले यहाँ रुकता हूँ। आज मैं सबसे पहले नहीं रुक सका, लास्ट में रुका हूँ, यानी कि मैं दही भले खाने आया हूँ। तो यहाँ से दही भले खाने हैं और फिर यहाँ से सीधा घर को निकलना है। रात तकरीबन 6-7 तो बज चुके होंगे, तो आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। दुआओं में याद रखिएगा। अगले ब्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।